हाय हेलो फोर साइड्स टीवी की ओर से मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। भारत के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट कैरियर में भारत की कई ऐतिहासिक जीत में रोल निभाया है। यूसुफ पठान अब नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, यूसुफ पठान इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट करियर में भारत की कई ऐतिहासिक जीत में रोल निभाया है। यूसुफ पठान अब नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। यूसुफ इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इस पूर्व क्रिकेटर को टिकट दिया। यूसुफ पठान को TMC ने बहरामपुर से टिकट दिया है। यूसुफ पठान को जिस सीट से टिकट मिला है वहां से फिलहाल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद है। कांग्रेस ने अब तक इस सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि यहां अधीर रंजन को ही उतारा जाएगा। अधीर रंजन 1999 से इस सीट से सांसद है। ऐसे में यूसुफ पठान के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। गौरतलब हो कि यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे और 22 T20 मैच खेले हैं। टीम इंडिया के लिए वनडे में यूसुफ ने 2 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 810 रन बनाए हैं। वहीं इस फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हुए यूसुफ पठान ने कुल 33 विकेट झटके हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 22 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान 236 रन और 13 विकेट चटकाए हैं। यूसुफ पठान क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। यूसुफ पठान ने फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं। बंगाल में चुनाव लड़ना उनके लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस सीट से वह लड़ रहे हैं वहां मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में पठान को इसका फायदा मिल सकता है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ट्वीट करके भाई यूसुफ को बधाई दी। उन्होंने लिखा, आपका संयम, विनम्रता, लोगों की मदद करने की इच्छा बिना किसी आधिकारिक पोजीशन के भी लोगों को नजर आती है। मुझे उम्मीद है कि नई भूमिका में आने के बाद आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे। TMC ने जो लिस्ट जारी की है उसमें एक और पूर्व क्रिकेटर का नाम शामिल है। TMC ने कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। पार्टी ने कीर्ति को वर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति आजाद 2021 में TMC से जुड़े थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वह जब तक राजनीति में है इसी पार्टी से लड़ेंगे। राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।